अब तक की यात्रा में आपने देखा कि यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर मुगलिंग होते हुए पोखरा तक पहुंची है। गुड मॉर्निंग पोखरा। अभी हम हैं पोखरा में और एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई। आज का हमारा प्लान है मुस्तांग जाने का। हम देखेंगे कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। वैसे हमारा कोई प्लान है ही नहीं कि हम कहां तक पहुंच पाएंगे, हमें कहां रुकना है, हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अभी हम यहां से चल के परमिट बनवाना है। और अभी मैंने बात किया तो इन्होंने बोला कि पेट्रोल आप यहीं से फुल करके जाइएगा, आगे पेट्रोल मिल सकता है नहीं मिल सकता है, चुनाव का समय है। बाइक हमारी रेडी है और सामान हमारा अंदर रूम में पैक हो रहा है। हम रूम के बारे में बता दें तो यहाँ पे हम लोग इसी रूम में रुके हुए थे। इस रूम में आप देख पा रहे हैं 5 बेड है और इसका जो हमने चार्ज दिया वह दिया 1000 रुपये नेपाली, लगभग 600 रुपये आईसी। खाने का जो चार्ज हमने दिया वो दिया 300 रुपये नेपाली, लगभग 180 रुपये आईसी। वेज खाना था, नॉनवेज खाना है तो 400 रुपये नेपाली, लगभग 240 रुपये आईसी। तो अभी हम एक रूम हम लोगों ने और लिया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि टोटल हम लोग 9 लोग हैं। यहाँ पे भैया लोग भी रेडी हो रहे हैं, श्रुति बना रहे हैं भैया लोग भी रेडी हो रहे हैं। यह है आज का अपडेट और अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? मुस्तांग। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, शब्दों में क्या कर पाएंगे? क्या शब्दों में उसको कहना थोड़ा सा जो है नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, उसमें लंबा समय लग जाएगा। और सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। ठीक है, हम लोग ऐसे एंजॉय करेंगे और निकलते हैं यहाँ से परमिट बनवाने के लिए। और कुछ लोग, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रास्ते में? जगह है बिल्कुल मजा आ रहा है। यात्रा में समस्याएं होती हैं लेकिन उसका निपटारा किया जाता है किसी तरह। इतना झुका हुआ मुंह से कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे पैसे भी गिने जा रहे हैं, ये हमारे कैशियर हैं जो पूरा हिसाब रखते हैं। ये हमारे भाई साहब। चला जाए। ओके, इधर अभी हम पोखरा से निकल रहे हैं। आगे एक बड़ा कार्यालय है, उसी के पास परमिट बनता है। देखते हैं परमिट का चार्ज क्या लेंगे और परमिट का प्रोसेस क्या है। पर्यटक बोर्ड किधर है? डैम साइड। टूरिस्ट पुलिस ऑफिस कास्की पोखरा, यहीं से परमिट बनता है। और देखते हैं परमिट की क्या क्या रिक्वायर्ड है। नेपाल पर्यटन बोर्ड, वेलकम टू पोखरा। एक्सक्यूज मी, दिस विंडो इज क्लोज। 10 AM। ओके, थैंक यू। अगर आप मुस्तांग या मुक्तिनाथ बाइक से जा रहे हैं तो आपको 2 कागज रखने होते हैं। एक आपको अपना आधार कार्ड रखना होता है, दूसरा बाइक का इंश्योरेंस। अगर बाइक का इंश्योरेंस नहीं है तो आपका खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अभी आपको जमसा मुक्तिनाथ जाने के लिए दोनों परमिट से होना चाहिए। कितने चार्जेस? सेम 1600 रुपीज़, 600 फॉर टीम्स एंड 1000 रुपीज़ फॉर एक अकाउंट। 1600। यस। एंड अपर मुस्तांग? फॉर अपर मुस्तांग यू हैव टू मेक अ स्पेशल परमिट फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफिस। अच्छा, उसके चार्ज कितने हैं? उसके चार्जेस तो $500। $500, आई थिंक 40,000 आईसी अप्रोक्स। अगर आप अन्नपूर्णा बेस कैंप का भी प्लान बनाते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिस है, यहीं से उसका भी परमिट मिल जाता है। उसका भी चार्ज 1600 रुपये है। आप 1600 रुपये का चार्ज देके मुस्तांग भी जा सकते हैं और अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए भी जा सकते हैं। तो आप ये जानिए कि इस रूट के लिए जो परमिट चार्ज है 1600 रुपये है,
अगर बाइक से है तो, बाइक नहीं है तो 600 रुपये। ये चुनाव झंडा पकड़े हुए लोग हमारे यहाँ के जैसे ही यहाँ पे झंडा पकड़े हुए हैं। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. अभी हम बेनी से लगभग 2 घंटा पहले हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है, हम तो आधा भीग चुके हैं, इन लोगों को पूरा भीग चुके हैं। नज़ारे आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमने ऊपर शेड है, जगह मिल गया गाड़ी खड़ा करने के लिए। ये जो लाइटिंग हो रही है ना, लाजवाब भाई साहब, बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमारे बगल में ही लाइटिंग हो रही है। यहाँ से 2 घंटे की दूरी बेनी है, हमें लगता है कि अगर मौसम खुलेगा तो हम शाम तक बेनी में होंगे। फिलहाल अभी बारिश बंद हो गई है और हम बेनी के लिए निकल गए हैं। पहाड़ों में तो यही अच्छा है, 1 घंटे 2 घंटे बारिश होती है, मौसम सुहाना और फिर निकल ली। यहाँ पे है, आ गए। अरे भाई साहब, बहुत बारिश हो रही थी। क्या बात, क्या खाना भी बन रहा है। वाह। अरे वाह। अरे भाई साहब छा गए भाई। अरे वाह, इसको चलाइए, देसी अंदाज बन रहा है। चाप दीजिए जितना डाल पाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भीगे नहीं, हम लोग पूरा भीग चुके हैं एकदम, पूरा सामान भीग गया हम लोगों का। आज के हमारे सेफ हैं मिश्रा जी, साथ में हमारे हरदोई के भाई साहब धर्मेंद्र जी, मसाले तैयार करते हुए। यही तो लाइफ है, यही लाइफ है, रियल लाइफ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे बल्लू भैया भी गोरखपुर से आए हुए हैं। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, मुस्कुराने की वजह यह है कि वहाँ बोला गया कि जितने तेज दबा के चलना दबाइए, मैं 2.5 घंटे से दबा के बैठा हुआ हूँ। आप क्या बना रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पे देसी चूल्हे, इसमें भी खाने बनाते हैं आप लोग। अभी बारिश थम गई है और हम निकल लिए हैं बेनी के लिए। पीछे जहाँ पे हमने खाना खाया वहाँ पे हम लोगों ने अपने हाथ से अंडा कढ़ी और भर पेट रोटी खाया। अंडा कढ़ी का जो रेट इन्होंने लिया और रोटी का सब मिला के 200 रुपये नेपाली करेंसी इन्होंने हमसे लिया, और अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 120 रुपये में 2 अंडा कढ़ी और भर पेट रोटी हम लोगों ने खाया। और अभी यहाँ पे ऑफ रोड का मज़ा आ गया। ऑफ रोड भाई साहब, उधर हटाओ गाड़ी, सामने से लेके आ गए। बहुत ही, अरे वाह,
चलिए भैया चलिए, ओ माय गॉड, चलिए चलिए चलिए, ओ माय गॉड, चलिए चलिए, ठीक खतरनाक, बहुत सही, चलिए यहां से निकलना, ये जान लीजिए, उठाइए कैमरा थोड़ा, हां ठीक है। चलो 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 आगे दिखाओ भाई, चलो ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे से निकलिए, अरे भाई यहाँ से जल्दी निकलिए साला, नीचे सीधे, ओ माय गॉड, आगे एकदम दिखा रहा है मजा आ गया, मजा है ऑफ रोड का, मजा है। राजा से जैसे ही हम लोग निकले हैं टोटल भाई साहब गजब की ऑफ रोड है। अभी हम बेनी पहुंचने वाले हैं, लगभग 2 किलोमीटर दूर है बेनी से, लेकिन पीछे जो रास्ते थे हमारे कैमरे में हमने कैद नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा बैटरी डाउन हो गया था, लेकिन गजब का ऑफ रोड था भाई साहब। दाई दाई क्या नाम तुम्हारा? हाँ मास्क हटा के बोलो। अर्जुन कहाँ जाओगे? बेनी, बेनी, कितना दूर है बेनी? कित अभी रोड खराब है कि सही है? अच्छा है, इधर का अच्छा है। ओके अर्जुन, पोखरा से मुक्तिनाथ के बीच में जो ये जगह है, ये जगह है बेनी, और हमें लगा ये सबसे बड़ा शहर है, और एक ये जो काली गंडकी नदी के किनारे ये पूरा शहर बसा हुआ है। अभी तो अंधेरा हो गया तो हमने प्लान किया कि आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसी बेनी में ही आज उठ जाएंगे। ये है बेनी का नज़ारा। हम लोगों ने प्लान किया रात में अब बाइक राइड नहीं करेंगे, आज हम बेनी में ही रुकेंगे। अगली बातें हम करेंगे आपसे अगले वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल हम बेनी में ही रुकेंगे।